ओ हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, गरीना ने हमें भेजी है कुछ चीज़ें, उसी के साथ साथ हमारे पास आ चुका है एक गिफ्ट की तरह येती। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें और नए आए हुए येती की एबिलिटी की टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो गरीना ने यहाँ पे हमें टोटल 5 चीज़ें भेजी है, जिसमें से सबसे पहली है ये वाली फिस्ट। ठीक है, ये आपको टोकन टावर में देखने को मिलने वाली है। अब टोकन टावर क्या है आपको पता है, 5 जो टोकन इकट्ठा करने होते हैं, हर टोकन पे एक नई चीज़ खुलती है, जैसे कोबरा बंडल और वो आया था, ऐसा ही टोकन टावर आएगा जिसमें आपको ये फिस्ट मिलने वाली है। काफ़ी ओपी फिस्ट है, क्रिसमस थीम पे बनाई गई। और आप मुझे कमेंट बताना कि ये फिस्ट कैसी है, ऐसे ये डायमंड से निकलने वाली है। दूसरी है ये बैग जिसका नाम है डेथ स्नोफॉल। इसके अंदर कोई भी पंख फैलाने वाली इफेक्ट नहीं है, हालांकि ये दिखती ऐसी है, मगर ये नॉर्मल बैग है। पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत दूर से बंदों को दिख जाती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा लाइट फेंकती है। तो कल शाम को जब मैं इसको लेकर खेल रहा था, दिमाग खराब हो गया। ये है स्काइथ, ये भी आपको उसी टोकन टावर में देखने को मिलने वाला है, या फिर ये आपको फेडेड व्हील में देखने को मिलेगा। दो में से एक चीज़ होने वाली है, या टोकन टावर में होगी ये चीज़ें, या फेडेड व्हील में होगी। मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं पता है, मगर इतना पता है कि उन दोनों में से एक में होगी। ठीक है ना। और लास्ट में है ये बंडल, बहुत ओपी बंडल है। आपको फ्री इवेंट में जो फीमेल बंडल मिल रहा है, उसका ये मेल बंडल है। ठीक है, अच्छा बंडल है, इसके बाल बहुत ही ओपी है, तो अगर पसंद है तो आप इसको निकाल सकते हो। ये भी शायद टोकन टावर या फेडेड व्हील दो में से एक में आने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि किस में आएगा, मगर ये पेड में आएगा, फ्री में नहीं आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास जो सबसे भयंकर खुफिया खतरनाक चीज़ है, उसका नाम है ये एती। ये येती फ्री में मिलने वाला है, आप सबको पता है लॉगिन के ऊपर। ठीक है, और इसकी जो एबिलिटी है ना, वो उतनी ओपी है कि आप शायद इसके मदद से 20 टन वाले बंदों को डिफीट कर पाओगे। आपको पता है कि 20 टन वाले बंदे ग्रेनेड से कुछ ज़्यादा दिमाग खराब करता है, तो इसकी एबिलिटी अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे पता है कितनी खतरनाक है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन चीज़ों को क्लेम कर लेते हैं, बैक कर देते हैं, और उसके बाद गरीना जो मुझे मतलब भेजता है अक्सर, वो भी क्लेम कर लेते हैं। वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, कितने कुछ डायमंड है एंड कुछ कस्टम के कार्ड है, इसको भी क्लेम कर लेते हैं। और अब मैं सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ लॉबी में ले जाके। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे सेक्शन के अंदर, मतलब कि हमारे वेपन सेक्शन में, आर्मनी में जाएंगे, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मिली वेपन में स्काइथ दिखा दूँ। इसको अपन इक्विप कर लेता है। ठीक है, ये रहा नया वाला स्काइथ, बहुत बड़ा स्काइथ है, बहुत दूर से दिखता है, और ये शायद तीसरी स्किन है लेजेंडरी वाली, पहले दो आ चुकी है। फिस्ट की बात करें तो ये है एकदम खोपड़ी वाली फिस्ट, अच्छी दिखती है, ठीक ठाक है, मुझे पसंद आई। आपको कैसी लगी ये रेड, दूसरी रेड फिस्ट है। ठीक है, ये इसको भी इक्विप कर लेते हैं। उसके बाद गाइस, अब आते हैं हम दूसरी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि बैग हो गया, बंडल हो गया, और बस दो ही चीज़ें और। ठीक है, और ये थी के ऊपर तो लास्ट में जाएंगे हम। तो फिस्ट है यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अपन जाते हैं यहाँ पे बंडल के अंदर, ये वाला बंडल है, देख लो, बहुत ओपी बंडल है, और इसको अपन ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको इक्विप भी कर लेते हैं। लॉबी में पहन के देख जाता है, बाल बहुत दिख रहे हैं अच्छे मेरे को, आई होप कि इसके बाल इतने ही अच्छे हो। ठीक है, तो ये रहा बंडल, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा बंडल दिख रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप मुझे बता देना कि बंडल आपको कैसा लगा। तो गाइस, वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे अपडेट, टिप्स और ट्रिक्स, वो सब चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अब हम आते हैं येती के ऊपर। तो गाइस, येती की एबिलिटी को मैं बहुत एक्सटेंसिवली चेक करूँगा, मगर सबसे पहले येती को अपग्रेड कर लेते हैं। येती की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसको लेवल 3 पे मैं शायद ही कर पाऊंगा, शायद 2 पे कर पाऊंगा, लेवल अप कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास उतने ज़्यादा पैट फूड पड़े नहीं है, तो आई होप कि शायद मैं इसको लेवल 7 मैक्स कर दूँ, या फिर लेवल 4 हो चुका है। ओके, इसको करते लेवल 5, ओके लेवल 6 कर दूंगा, शायद 7 नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी एबिलिटी लेवल 2 रहेगी। फिर भी मैं आपको आइडिया तो दे दूंगा कि लेवल 2 पे भी ये कितनी भयंकर दिखती है। ठीक है, देखो गाइस, लेवल 2 पे भी येती अनस्टॉपेबल है, क्यों है ना, वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइज, हम सीधे चलते हैं एबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर। ग्रेनेड का डैमेज लेंगे, क्योंकि इसकी एबिलिटी ये है कि ग्रेनेड का एक्सप्लोजिव का जो डैमेज है ना, वो 20% कम कर देता है लेवल 2 के ऊपर, लेवल 1 के ऊपर 15, और लेवल 3 के ऊपर 30%। मगर यहाँ पे एक टाइमर है, देखो सबसे पहला जो टाइमर था वो यहाँ पे ऑन हो चुका है, मतलब कि येती था तो हमें 148 का डैमेज पड़ा ग्रेनेड का, विथाउट वेस्ट एंड विथाउट हेलमेट। अब वही जगह पे दूसरी बार, पहले मैं एचपी फुल कर लेता हूँ, ओके, वही जगह पे दूसरी बार ग्रेनेड आएगा, सेम टू सेम लोकेशन पे, कोई भी लोकेशन में चेंज नहीं है। और अब हम देखेंगे कि हमको कितना डैमेज पड़ता है। तो विथाउट, मतलब विथ येती 148 था, विथाउट 80 हमें सीधा 186 का डैमेज पड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है अगर आपके पास येती होगा, तो जब आप ग्रेनेड का डैमेज लोगे तब।
अब आते हैं गाइस हम दूसरे सिनेरियो के ऊपर। यहां पर तो मैं कैमरा मूवमेंट भी चेंज नहीं करूंगा, तो देख लो विथ यति मुझे 99 का डैमेज पड़ा और अब वही सेम लोकेशन के ऊपर दूसरा ग्रेनेड आएगा जब मेरी एचपी फिर से फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एचपी फुल कर लिया है और यहाँ पे सामने से ग्रेनेड आएगा फिर से। पहले बार मेरे पास ये थी था तो 99 का डैमेज आया, अब विथाउट ये थी मेरे को सीधा 124 का डैमेज आया। तो आप देख सकते हो ये चीज, एक्चुअली में ये थी में एक कूल डाउन टाइमर है, एक बार आप ये थी को यूज करोगे जो ऑटोमेटिक यूज होता है जब आपको ग्रेनेड का डैमेज पड़ेगा, उसके बाद वो टाइमर ऑन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे टाइमर ऑफ है, ये मेरे को जैसा डैमेज लगेगा टाइमर ऑन हो जाएगा। 66 का डैमेज आया, अब दूसरी बार अगर मेरे को कोई भी डैमेज देगा तो वो टाइमर ऑफ होने के बाद ही ये थी काम करेगा। अब यहाँ पे टाइमर तीन अलग अलग हिस्सों में, लेवल वन के ऊपर 150 सेकंड है, फिर 120 सेकंड है और फिर 90 सेकंड है। तो जितना लेवल अप होगा उतना आपको जल्दी ये थी यूज करने को मिलेगा। और विथाउट एटी यहाँ पर आप देखो 85 का डैमेज आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट हेलमेट इसीलिए नहीं पहना था क्योंकि बंदों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और उसी के साथ साथ कंफ्यूजन भी होगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे विथाउट देती हमने ग्रेनेड ट्राई किए। अब हम आते हैं फ्रीज ग्रेनेड के ऊपर जो कि लॉन वॉल्फ में बहुत बंदे यूज करते हैं। तो अगर आप ये थी यूज करते हो, आपके ऊपर अगर ग्रेनेड फूटा तो आपको 76 का डायरेक्ट डैमेज और टिक टिक करके जो आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 करके टोटल आपको 151 का डैमेज, 151 का डैमेज पड़ेगा अगर आपके पास ये थी है तो। और अगर आपने ये थी यूज नहीं किया है तो आपको डायरेक्ट सीधा 98 का डैमेज पड़ेगा और आपको टोटल 173 का डैमेज पड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये थी कितना पावरफुल पैट है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जितनी स्किल टेस्ट और नई आइटम दिखाई वो आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताना जरूर मत भूलना कि ये थी आपको कैसा लगा, फ्री में मिलने वाला है और आप क्लेम करोगे कि नहीं करोगे। और अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना गाइस, क्योंकि चैनल की रीच डाउन है आपको पता है, नोटिफिकेशन बहुत लोगों को आ रहे नहीं आ रहे। अगर ऐसा कुछ है तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग द फ्री फायर।